मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीर के लिए तशरीफ लाते हैं अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के नाज़िम तबलीग जनाब हाफज नईमुर रहमान साहब शेहुपुरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहुपुरी शेखुल कुरान के पोते जानशीने शेखुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिया बादा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। حضرات ذی وقار माशाअल्लाह आज दिए अजीम शान फ़कीदुल मिसाल पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो अल्लाह दे फजलो करम दे नाल हर लिहाज नाल कामयाब है। दुआ करो अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह शेर पाकिस्तान हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहेब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो अल्लाह दे फ़ज़ल व करम नाल नाराए तकबीर नाराए तकबीर आया 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 शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब नाराए तकबीर। शेर ते अल्लाह दे फजलो करम नाल एक माण नहीं हुंदा। अज अल्लाह ने दो शेर जमा फरमा दिते ने। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत दे नाल तौहीद व सुन्नत दे इन्हां शेरां नूं कुफर दे ईवाना दे अंदर अल्लाह लर्जा और जलजला बरपा करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह गलबाए इस्लाम निफादे इस्लाम दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ीवकार कायद इब्ने कायद हज़रत अल्लामा हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहेब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो इस वक्त स्टेज के ऊपर जलवा अफरोद ने और तुसी अहबाब उन्हां दी ज़ियारत फरमा रहे हो, मैं कॉन्फ्रेंस दी इस कामयाबी ते मुबारकबाद पेश करना अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील वज़ीराबाद दे अपने भाइयां दोस्तां नूं और बिलखसूस कायदे यूथ फोर्स जनाब नेमतुल्ला जफर साहेब सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और दुआ करना कि अल्लाह इन दिया मेहनत अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात अदीबकार बड़े इख्तिसार दे नाल मैं अपना पैगाम तुसा अहबाब तक पहुँचाना चाहना। बड़ी तवज्जो दरकार है। मैं जो आयत करीमा तुहाडे सामने तिलावत की थी इस दे अंदर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने दीने इस्लाम का भी जिक्र किया और पैगंबरे इस्लाम का भी जिक्र किया। उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहो। कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई शख्स बुखल का मुजाहरा ना करे, मुहब्बत के नाल मिल के पढ़ लो जरा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। इन्हां दोवां का तज़करा और एक और बात भी दिल लगा के सुन लेना के दीने इस्लाम तो बड़ी अल्लाह दी नेमत कोई नहीं और पैगंबरे इस्लाम तो बड़ा अल्लाह दा एहसान कोई नहीं। दीने इस्लाम तो बड़ी
अल्लाह पाक दी नेमत कोई नहीं और पैगंबर इस्लाम तो बड़ा अल्लाह सुबहाना हुआ ताला दा एहसान कोई नहीं। और हजरात हामिलीन इस्लाम बैठे हो, मुसलमान बैठे हो और इस्लाम दी निस्बत अपने नाल लगान वाले बैठे हो, कितनी मुबारकबाद दे मुस्ताहिक को, अल्लाह दा कितना बड़ा फजल होया। खालिके कायनात ने इस नेमत दे नाल सानू माला माल कीता है, ओ दीन अता फरमाया, जिनू दीने मुकम्मल और दीने अकमल आखे है, जिस दीन दे अंदर कमी कोई नहीं, कोताही कोई नहीं, नक्स कोई नहीं, ऐब कोई नहीं, और ये दीने इस्लाम दी अजमत है जिदे बारे रब्बे कायनात ने फरमाया कि असा दीन मुकम्मल कर दिता है और इस तो पहलों किसे दीन वास्ते किसे शरीयत वास्ते ये ऐलान और ये एजाज रब्बे कायनात ने अता नहीं फरमाया। ओदी वजह की है, ओदी वजह ये है कि अगर दीन आदम दे मुतालिक फरमाया जांदा कि आदम दा दीन मुकम्मल है तो एदा माना ये हुंदा कि इस तो बाद किसे होर दीन दी लोड़ नहीं। अगर जनाबे नूह दी शरीयत दे बारे फरमाया जांदा कि नूह दा दीन मुकम्मल है एदा मतलब ए सी कि इस तो बाद किसे दीन दी लोड़ नहीं। अगर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दीन दे बारे ये ऐलान कीता जांदा कि इब्राहिम दा दीन मुकम्मल है तो एदा माना ए बनदा कि इस तो बाद किसे होर दीन दी लोड़ नहीं। अगर जनाबे लोगों गौर करें आज जबूर वाले दीन दे बारे किया जांदा कि दीन मुकम्मल है एदा मतलब किसे होर दीन दी लोड़ नहीं। अगर तौरात वाले दीन दे बारे किया जांदा कि ए दीन मुकम्मल है तो एदा माना ए हुंदा कि इस तो बाद किसे दीन दी लोड़ नहीं। अगर इंजील वाले दीन दे बारे फरमाया जांदा कि ए दीन मुकम्मल है तो एदा माना ए बनदा कि इस तो बाद किसे और दीन दी लोड़ नहीं। हजरात किसे दीन दे बारे ए ऐलान नहीं कीता गया, पर जदों मेरे और तुहाडे दीने इस्लाम दी वारी आई रब्बे कायनात ने ए शरफ और एजाज इस दीन नु अता फरमाया और ऐलान कीता है। फरमाया अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सुभान अल्लाह, मैं तुहाडे हालात वेख के पढ़ रहा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह तुहाडे नालों जनरेटर दी आवाज़ ज़्यादा है। हज़रात दरा गौर करना, अल्लाह दा कुरान दिल लगा के बड़ी मुहब्बत ते प्यार नाल बड़ा मुख्तसर पैगाम देना चाहना। फरमाया अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सोने असा तुहाडे उत्ते अज दे दीन अज दे दिन अपना दीन मुकम्मल कर दिता है और अपनी इस नेमत नूं असा तुहाडे उत्ते पूरियां कर दिता है और मैं रब इस गल ते बड़ा राजी हाँ, मैनू इस बात ते बड़ा ही चा है, मैं बड़ा ही खुश हाँ कि इस्लाम तुहाडा दीन बन गया है, इस्लाम दीन साडा बनया है, फायदा साडा है, कामयाबी साड़ी दा समान हो गया है, पर राजी रब हुंदा है पिया, खुश अरशां वाला हो रहा है। हज़रात हुण गौर करे आजे, इस्लाम दीन मुकम्मल है, कायनात दे अंदर सिर्फ इको ही दीन है जिन्हों अल्लाह ने मुकम्मल आख्या है, इस्लाम मुकम्मल है, बोलो दीने इस्लाम, इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम दे अंदर हुण किसे चीज की गुंजाइश नहीं, कोई कमी नहीं, नक्स नहीं, ऐब नहीं, किसे ज़ियाती और इजाफे दी लोड़ नहीं। रब्बे कायनात ने दीन मुकम्मल कर दिता है और दीन इस्लाम दो चीज़ां दा नाम है, एक अल्लाह दा कुरान है, दूसरा रब दे पाक पैगंबर दा फरमान है। बोलो किसे तीसरी चीज दी लोड़, उची बोलो कुरान ओ हदीस कोल होए ते तीजी शै दी लोड़, किसे तीसरी चीज दी लोड़ नहीं। और लोको अहले हदीस नु ए भी एहसास मिली है, अल्लाह ने भी शरफ अता कीता और जिस शहीद कायद दे मिशन दे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिदे मिशन दे अलंबरदार अज वजीराबाद दे इस जनाब मंडी दे इस गले दे अंदर इस मंडी दे अंदर मौजूद ने, उन्हां दा ए ऐलान है। हजरत शहीद कायद फरमाया करते थे, लोगो सारी हस्तियों को छोड़ दो, सारी बस्तियों को छोड़ दो, दो हस्तियों से जुड़ जाओ, दो बस्तियों से जुड़ जाओ, हस्ती इला और मुस्तफा की है और बस्ती मक्के और मदीने की है।
सानू ना किसी तीजी हस्ती की लोड़ है, बोलो ना किसी तीजी बस्ती दी लोड़ है। आओ लोगो, इस्लाम मुकम्मल हो गया है, इस्लाम दीन मुकम्मल हो गया है, इस्लाम दीन कामिल अकमल बन के आया है। मैं सदके ते कुर्बान जावा ताई ते मालिक ने ऐलान कर दिता है, वा मैं अब तगे गैर अल इस्लाम में दीनन फलन युक्बल मिनहु वा हुवा फिल आखिरति मिन अल खासिरीन। फरमाया जड़ा इस्लाम तो इलावा कोई और कानून लैके आए, जड़ा इस्लाम तो इलावा कोई और रस्ता लैके आए, जड़ा इस्लाम तो इलावा कोई दूजा निज़ाम लैके आए, मैं रब हो के कह रहा हूँ एदा निज़ाम कबूल नहीं, एदा कानून कबूल नहीं, एदा रस्ता कबूल नहीं। इस्लाम दे आ जाण तो बाद जड़ा किसी होर कानून नू अहमियत देंदा है, जड़ा किसी होर निज़ाम नू इज्जत देंदा है, वह दुनिया आखरत दे अंदर जलील और रुसवा होके रहेगा। इस्लाम कामिल दीन है, इस्लाम कायनात का सब तो बेहतरीन ला है, इस्लाम सुप्रीमली सक्सेसफुल ला, कायनात का ऐसा कानून है जमीन दे जिस खित्ते ते नाफद कीता जाए आसमान तो भी रब्बे कायनात दियां रहमतां नाजल हुंदियां ने, जमीन भी अपना सीना फाड़ के अपने खजाने बाहर कढ़ देंदी है। जदों इस्लाम नाफिल होया अल्लाह दियां रहमतां हो गई, खालके कायनात ने बरकतां दा नुज़ूल फरमाया है, अंदर भी मोमिन बाहर भी मोमिन, इन्हां दा बातिन भी मोमिन बन गया, जाहिर भी मोमिन हो गया है, दिल भी मुसलमान हो गया, निगाह भी मुसलमान हो गई। लोगों कायनात दे अंदर रहने वालो इस्लाम दा रंग चढ़े है किन्हां दे उत्ते, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी जमात इस्लाम दा रंग दसन लगे आ, मेरे महबूब दे साथी मेरे पैगंबर दे रूफाका जरा गौर करे आ जे कौन ने, अल्लदीना यत्तबिउन रसूलन नबियल उम्मी अल्लदी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अनहुम इसराहुम वल अग्लाल अल्लती कानत अलैहिम فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। केड़े मुसलमाना दी गल सुना रहे हैं, मेरे पाक पैगंबर दी जमात इस्लाम नू अपना ओढ़ना बिछोना बनाया है, अल्लाह दे कुरान ने अदावा कुरान दा हिस्सा बना दितियां ने। और जरा गौर करे आजे बोलियां रब दे कुरान दियां ते तर्जमा शेखुल कुरान दा, अल्लाह दे फकीर ने अपनी मुहब्बत दे मोती परोए ऐसे मुसलमान बने। इस्लाम दा रंग किवें दिसदा पिया, ओए तजल्ला चेहरियां ते फग से लूदा सुना दिया, कोई सुनन वाला मौसम भी बनाओ, पढ़ लो सुभान अल्लाह, रात जाग पो तजल्ला चेहरियां। अल्लाह सानू भी ऐसा मुसलमान बना दे, अल्लाह ऐसा इस्लाम दा रंग अता कर दे, तजल्ला चेहरियां ते फग से लूदा ते जलवा नूर सीमा हुम वजूदा उजाला ला इलाहा इल्ला हुदा ते शोला वरकाऊ ते वसजुदूदा जबां ते जिक्र शीरी फकराऊ जबां ते जिक्र शीरी फकराऊदा वजीफा बद करू ते बस करूदा हत्थां विच फैज हत्थां विच फैज हत्ता तुल फिकूदा जिसम विच जोर पर आई जाहे दूदा जिसम विच जोर पर आई जाहे दूदा ते रातां मेरे पैगंबर दी जमातियां हकीकी मुसलमाना दियां रात अखां विच नीर अखां विच नीर फाली अब कूदी जूदा परोसा सिर्फ एक ला तक न तूदा
इस्लाम दा रंग चढ़िया है। कैसा रंग चढ़िया? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदै यब्तगूना फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मैं सदके ते कुर्बान जावां ऐसे मुसलमान बने। कुरान दियां बोलियां दा तर्जमा मैं मुहब्बत नाल इंज सुनाना चाहना के शागिरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती फिर कह लो जिन्हों सहाबा ना सच्चा प्यार मुहब्बत ना बुलंद आवाज़ ना पढ़ो सुभान अल्लाह। मेरा दिल कर दिया जन्नत चे बूटे भी लग जाओ ते बेदार भी हो जाओ। शागिरदी जिन्ना ने प्यारे दी कीती उम्र सारी अंदर नजारे दे बीती उम्र सारी अंदर नजारे दे बीती नजारे दे बीती इशारे दे बीती नजारे दे बीती इशारे दे बीती मोहम्मद दे सो सोने दवारे ते बीती नबी दियां फौजां कितारां दे साथी ओ लैलां दे साथी नहारां दे साथी सफर हजर नाले मजारां दे साथी ओ मस्जिद दे साथी ते घारां दे साथी नबी दे यारानू जो मंदा सदा सी ओ जालम दीवाना जहन्नम जासी। और जिन्हों पाक पैगंबर अली सलाम दे यारा नाल प्यार नहीं वो दे कलमे दा इतबार नहीं वो पैगंबर दा वफादार नहीं ते जन्नत दा ओ बोलो जन्नत दा हकदार नहीं। आ लोगो अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मिशने शहादा दी तकमील दा आलम बुलंद करके मैदान अमल दे अंदर आ चुके ने। हजरत अलामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर दी क़यादत दे अंदर हजरत अलामा तारक महमूद यज़दानी दी क़यादत दे अंदर और सालारे यूथ फोर्स हाफिज ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी दी क़यादत दे अंदर असी इंशाअल्लाह तआला सहाबाए किराम दे दुश्मनां नूं भी मुंह तोड़ जवाब देंदे रहांगे। और जो सहाबा दे गुलामा दा गुस्ताख होएगा जो सहाबा इकराम दे नौकरां दा सहाबा दे चौकीदारां दा गुस्ताख होएगा इंशाअल्लाह उन्हां दियां जुबानां गुदियां चो निकालदे रहांगे उन्हां हत्थां नूं टोकदे रहांगे उन्हां जुबानां नूं रोकदे रहांगे। और लोगो ये निस्बतां मेरा मालिक अता करदा है। मैं बकी मरकत दी एक निस्बत बयान करन लगे हां बड़ियां अजीम कबरां ने जन्नतुल बकी दे अंदर बकी गरकत दे अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने महबूब पैगंबर दे दौरे दामाद नू भी कबर अता फरमाई बकी दे अंदर। और लोगो जनाबे उस्मान नू कबर मिली बकी दे अंदर। पाकिस्तान चो हजरत उस्मान दा गुलाम उठिया हजरत अलामा एहसान नू भी अल्लाह ने कबर दिती बकी गरकत दे अंदर। और लोगो जरा गौर करे आजे अल्लाह ने निस्बतां रलाइया उस्मान भी आमिना दे लाल दा गुलाम है अल्लामा एहसान भी इमाम अंबिया दा गुलाम है हजरत सैयदना उस्मान भी पैगंबर दी यूनिवर्सिटी दा फारग है अल्लामा एहसान भी मदीना यूनिवर्सिटी दा फारग है। अल्लाह ने मुल पाया अल्लाह ने निस्बतां दा सिला दुनिया दे अंदर की दिता है। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अनहु दे कातिल भी लोगो राफजी ते दीन ते बागी अल्लामा एहसान दे कातिल भी दीन ते बागी। और लोग जरा गौर करे आजे जनाबे उस्मान नू कबर मिली बकी दे अंदर अल्लामा एहसान नू भी कबर मिली बकी दे अंदर। कल कयामत दा दिन होएगा बकी दियां कबरां खुलण गियां इधरों हजरत उस्मान उठणगे इधरों उस्मान दा गुलाम अल्लामा एहसान उठेगा जनाबे उस्मान पाक पैगंबर दे हौस ते जाणगे पिछे पिछे उस्मान दा गुलाम अल्लामा एहसान पैगंबर दे हौस ते जाएगा। और लोगो पाक पैगंबर अली सलाम दी माइयत दे अंदर हजरत उस्मान रब दी जन्नत च जाणगे इंशाअल्लाह। हजरत उस्मान दी इक्तदा दे अंदर उस्मान दा गुलाम अल्लामा एहसान भी जन्नत च जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लोगों मैं आखिरी पैगाम देना चाहना
आओ अहले हदीसो गैरतमंद बन जाओ, जुर्रतमंद बन जाओ, अज शहीद के नाम लेवा अहले हदीस यूथ फोर्स से ये शाहीनो शहबाज मैदान अमल के अंदर खड़े ने। जे शहीद का मिशन की है लोगो, इधरों मिशन मिलेगा इंशाअल्लाह शोहदा दा, अल्लाह दा वास्ता। जे साढ़े को आके रियाल ना मंगिया करो मौलवीओ, साढ़े को वीजे ना मंगिया करो, असी बड़े माड़े हाँ, साढ़े को ना दुनिया का माल है, ना दुनिया के अहदे ने, ना सैरो तफरी वास्ते वीजे ने, साढ़े को अल्लाह के फजलो करम के नाल ना शोहदा का मिशन है। जो फरमाया करते सन खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। और फरमाना वो गुलशन किसी हुक्मरान का नहीं, वो गुलशन किसी बागी का नहीं, वो गुलशन किसी गासिब का नहीं, वो गुलशन किसी फासिको फाजर का नहीं, वो गुलशन नवाज शरीफ का नहीं, वो गुलशन शबाज शरीफ का नहीं, वो गुलशन इमरान खान का नहीं, वो गुलशन फजलुर रहमान का नहीं, वो गुलशन किसी और ऐरे गैरे का नहीं, काबे के रब की कसम है वो गुलशन आमिना के लाल का है, जिसके दो बड़े फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा पैगंबर का फरमान। माशा अल्लाह।